नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम। जिस तरह से पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के बीच तरह तरह के सवाल आम जनता की, सवाल मार्केट को लेकर, मेडिकल, इसी तरह दूध, पाव, खारी, सब्जियों को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे। थाने में सभी जरूरत के सामान खुले हैं और यही हाल कल्याण में दीगर जगहों पर खुले हैं, मुमरा कौसा में क्यों नहीं खुले हैं? पहले तो हम उन लोगों को बता दें जो इस मुद्दे पर जानना चाहते हैं, उनको बता दूं थाने कल्याण में जो गाइडलाइन दिया गया है वहां उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुमरा कौसा में सोशल डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन को इस तरह की कदम उठानी पड़ी। कुछ दुकानें जो है टाइम टेबल जो बनाए गए थे उस पर जो है जो वो लोग सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे थे, जिसके कारण पुलिस प्रशासन जो है मिलकर उन पर कड़ा रूप अख्तियार कर रही थी। लेकिन आज उसी मुद्दे को लेकर ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर विजय सिंघल के मार्गदर्शन में डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी, सहायक आयुक्त महेश अहेर, धनंजय गोसावी ने आज कौसा के स्टेडियम में इस लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों पर फोकस किया। कौन से टाइम में मुमरा कौसा में भाजी मिलेगी या फिर कितने बजे से कितने बजे तक मेडिकल, दूध की दुकान, बेकरी खुली रहेंगी। आप सुनिए पहला मनीष जोशी, जो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने मीटिंग के बाद जो है पत्रकारों से क्या बात की है, किस तरह से मुमरा कौसा में दुकानें खुली रहेंगी, सुनिए। सर, आज पत्रकारों को बुलाया गया था, शहर में जो मुद्दे चल रहे हैं मार्केट को लेकर, बहुत सारी मुद्दे को लेकर आज आपने मीटिंग किया है, तो इसमें क्या डिसीजन हुआ, किस तरह से दुकानें खुलेंगी, क्या टाइम टेबल रहेंगे? देखिए, प्रशासन ने, TMC ने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए हैं जो कि हमें आम जनता तक पहुँचानी थी और आपके माध्यम से वो हम पहुँचा रहे हैं। कुछ दिनों से सब जगह पूरे कॉरपोरेशन लिमिट्स में दुकानें खुल रही हैं, होलसेल भाजी मंडियां खुल रही हैं, लोगों को बेसिक एसेंशियल चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कर्टेल टाइम, ऐसा नहीं कि 24 घंटे मिल रहे। तो फिर हमने भी एग्जामिन किया कि भाई हम अपने मुमरा में ये सब चीज़ें कैसे कर सकेंगे। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे मुमरा में अब ऑलमोस्ट 18 केसेस हो चुके हैं और पहले की तरह वो जो केसेस थे वो सिर्फ एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी जो केसेस पाए जा रहे हैं वो पूरे स्प्रेड होते जा रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। बट एट द सेम टाइम सबके सहकारे से हमने सिचुएशन पे अच्छा कंट्रोल पा रखा है। तो अगर सिचुएशन पे अच्छा कंट्रोल पा रखा है तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं है घाई गर्दी में कि सिचुएशन हमारे हाथ से चले जाए। इसीलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आज आपके माध्यम से हमने आम जनता तक पहुंचने की कोशिश की है। सबसे पहला डिसीजन तो ये है कि लोगों को जो सब्जियां चाहिए उसके लिए हमने 4 मार्केट हम खोलेंगे। सबसे वो एक है मित्तल का, दूसरा है बाहुबली का, तीसरा जो है कि हमारे जो स्टेडियम के सामने का जो बड़ा जो डिवाइडर है वहाँ हम तीसरा मार्केट हम खोलेंगे, और चौथा मार्केट जीवन बाग का, रेलवे स्टेशन के सामने का। सो देर आर 4 मार्केट्स। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि ये जो सब्जी मार्केट का जो टाइमिंग होगा वो होगा सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक, 5 to 9 विल बी द टाइमिंग ऑफ द सब्जी मार्केट। और ये जो सब्जी मार्केट होगा ये हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खुलेगा, वो है मंडे, फिर थर्सडे एंड सैटरडे। सिमिलरली नॉनवेज, मटन, चिकन एंड फिश, मटन चिकन एंड फिश, ये भी सिर्फ हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे, एक होगा संडे, दूसरा होगा वेडनेसडे और तीसरा होगा फ्राइडे। मतलब ट्यूसडे को ना सब्जी मिलेगी और ना नॉनवेज मिलेगा, ये दूसरा डिसीजन। तीसरा डिसीजन जो है, जो कि ग्रॉसरी, इसको किराना बोलते हैं, ये दुकानें पूरे हफ्ते खुले रहेंगी और इसका जो टाइमिंग होगा वो 7 से 11 होगा, ठीक है, 7 से 11। एंड फाइनली जो मेडिकल शॉप्स जो होंगी ये हम 2 फेसेस में खोलेंगे, एक होगा 7 से 11 और दूसरा होगा 6 से 10। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सब्जी छोड़ के बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगी। इसका मतलब ये होगा कि दुकान चल रही है लेकिन उसका शटर डाउन होगा, बेकरी चल रही है लेकिन उसका शटर डाउन होगा। तो बेकरी वाला होगा, किराना वाला होगा, इसने ऑनलाइन ऑर्डर बुक करना है
और उसने अपने कस्टमर को होम डिलीवरी देना है। इसके लिए हर दुकानदार ने जो डिलीवरी बॉयज है उनकी यादी प्रशासन को देनी है, उसे हम सर्टिफाई करेंगे और वो जो डिलीवरी बॉय की जो यादी है वो हम पुलिस को देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नागरिकों ने सिर्फ हफ्ते के 3 दिन सब्जी लेने के लिए ही वो उतर सकते हैं और वो भी सिर्फ 5 से 9। मतलब हमारे मुमरा के नागरिक सिर्फ और सिर्फ संडे, देन थर्सडे एंड देन सैटरडे, ये 3 दिन सब्जी लेने के लिए उतर सकते हैं। बाकी जो लिखित में ऑर्डर है एग्जैक्ट वो हमारे सहायक आयुक्त साहब आपको दे देंगे। इसके हिसाब से हमने नियोजन किया है और ये नियोजन करने के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी हालत में क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस फॉलो होना चाहिए और जो केसेस हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। हमारे मुमरा में रेड जोन की संख्या काफ़ी मर्यादित है, वो बढ़नी नहीं चाहिए और हमारे यहाँ जो भी जो रेड जोन्स हैं वो जल्दी से जल्दी ग्रीन जोन बन जाएं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से तमाम मुमरा वासियों को एक अपील करता हूँ। तो आपने सुना डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी ने जो बताया, आपने सुना हफ्ते में 3 दिन सब्जी मार्केट खुली रहेगी, स्टेशन पे, मित्तल ग्राउंड, स्टेडियम जैसे कुछ कुल मिलाकर 4 जगहों पर सब्जी मार्केट लगेंगे संडे से। इस नियम को फॉलो किया जाएगा और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा और साथ ही जिस तरह से हफ्ते में 3 दिन सब्जी की मार्केट खुली रहेंगी वैसे ही ठीक हफ्ते में 3 दिन मटन, चिकन, मच्छी की दुकानें खुली रहेंगी और सब्जियों के खुलने की टाइम टेबल है बनाया गया है। और मनीष जोशी ने इस दौरान ये भी कहा है सिर्फ सब्जियों को छोड़कर बाकी दुकानदार घर पर ऑनलाइन बुकिंग करके डिलीवरी कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो राशन की दुकान हो या दूध की दुकान हो या बेकरी की दुकान हो, वो लोग जो है घर पर जो है डिलीवरी दे सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करके जो है डिलीवरी दे सकते हैं, जिसका परमिशन देंगे और डिलीवरी करने वाले के पास एक आईडी दिया जाएगा जिससे वो हर घर पहुंच सकेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।